तो छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार में जुटे हैं भाजपा के स्टार प्रचारक। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। तीन स्थानों पर सभाओं को करेंगे संबोधित। आज दोपहर 12:10 पर रायपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। रायपुर से 12:40 पर लोरमी के लिए होंगे रवाना। तो चुनावी में सभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि दोपहर 1:30 पर भिलाई के लिए रवाना होंगे जेपी नड्डा। इसके अलावा भिलाई में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:00 रायपुर लोकसभा के चंद्रखुली में भी जनसभा करेंगे। तो एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में हुंकार भरने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अध्यक्ष भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी आज छत्तीसगढ़ दौरा है, जहां वो तीन स्थानों पर चुनावी सभा करते हुए नजर आएंगे। चंदखुरी में भी वो रायपुर लोकसभा के चंदखुरी में भी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। तीन स्थानों पर सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, अमित शाह तो छत्तीसगढ़ में ही हैं, अब छत्तीसगढ़ दौरे पर जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, तीन स्थानों पर चुनावी सभाएं करते हुए नजर आएंगे वो, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम तय किया गया है? भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे और तीसरे चरण के लिए अपने राष्ट्रीय नेताओं को झोंक दिया, पूरी ताकत झोंक दी है। और यही वजह है कि आज एक बार फिर जेपी नड्डा जो है वो बैक टू बैक तीन सभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। दोपहर 12:10 में रायपुर पहुंचेंगे, इसके बाद में लोरमी में उनकी पहली सभा होगी। लोरमी की सभा के बाद में दोपहर 1:30 भिलाई के लिए रवाना होंगे। भिलाई में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित करेंगे और रायपुर के चंदपुरी में भी वे आम सभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के पक्ष में आम सभा होगी। इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास तो होगा ही, साथ ही साथ निशाने पर कांग्रेस भी रहेगी, क्योंकि तीनों ही जो सीटें हैं वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सभा को संबोधित करेंगे तो निशाने पर कांग्रेस भी होगी और उपलब्धियों को बताने की जो प्रयास है वो भी की जाएगी। जी जी, तो उपलब्धियों को बताने का प्रयास अब किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए।